नीलम कवरिया ने मीजा विधानसभा सीट से 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर राजनीति में कदम रखा, जब उनके पति उद्यभान कवरिया, जो पूर्व में दो बार विधायक रह चुके थे, जेल चले गए थे। उनका परिवार राजनीतिक क्षेत्र में पहले से ही सक्रिय था, जहां उनके जेठ कपिल मुनि करवरिया बसपा के टिकट पर सांसद रहे और देवर सूरजभान करवरिया विधान परिषद के सदस्य रह चुके थे। हालांकि जवाहर पंडित हत्याकांड में सभी को आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद नीलम ने परिवार की राजनीतिक विरासत को अपने कंधों पर उठाया। उन्होंने अपने पति की कर्मभूमि में मेहनत की और उस क्षेत्र में अपनी लोकप्रियता को बढ़ाया। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में नीलम करवरिया ने 67,807 मत लेकर सपा के रामसेवक सिंह पटेल को 19,843 मतों से हराकर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। लेकिन 2022 में सपा के संदीप पटेल के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जब उन्होंने 75,116 मत प्राप्त किए, जबकि संदीप पटेल को 78,555 मत मिले। फिर भी नीलम ने क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बनाए रखी और जनता की समस्याओं के समाधान में सक्रिय रहीं। उन्होंने लखनपुर गांव में एक घर बनाकर लोगों की समस्याओं को सुनने का कार्य शुरू किया था, जिससे उनका संबंध क्षेत्र के लोगों से और भी मजबूत हुआ। नीलम करवरिया की कार्यशैली ने उन्हें और भी लोकप्रिय बना दिया, क्योंकि वे सदैव लोगों के सुख दुख में भागीदार रही हैं। उनकी मेहनत और जनता की समस्याओं के समाधान के प्रति संवेदनशीलता ने उन्हें क्षेत्र के लोगों के दिलों में एक खास स्थान दिलाया है। उनके योगदान से मीजा विधानसभा क्षेत्र में बदलाव की लहर आई है और वे इस क्षेत्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर बन गई है।